आज भी मैं दो स्टॉक्स दूंगा जो आप कल कल ट्रेड करेंगे 3 फेब को। पहला है ब्रिटेनिया जो ऑल टाइम हाई पे है 4573 पे, और एशियन पेंट जो है वो 2705 पे है। और तो सबसे पहले आते हैं वर्ल्ड मार्केट पे। वर्ल्ड मार्केट कहाँ है? वर्ल्ड मार्केट 300 पॉइंट्स अप है। ये शो करती है क्या, जो जो निफ्टी है, निफ्टी वो कल गैप अप खुलेगी। और देखते हैं रात भर में क्या होती है, बट मैक्सिमम चांसेस है क्या जो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट, वर्ल्ड मार्केट को सबसे पहले एनालाइज करते हैं। और जो अब जब भी आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी आपको कैरी ओवरनाइट पोजीशन ले जाना रहता है, तो आप इससे वर्ल्ड मार्केट को देख के आप अपना पोजीशन ओवरनाइट कैरी कर सकते हैं। आप पी भी कर सकते हो और सी भी, वो वर्ल्ड मार्केट तो देखकर आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अभी ये यहाँ इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, तो हो सकते हैं यहाँ से वो एक सेलिंग ले। तो ये जो 305 पॉइंट्स हैं वो आपको निगेटिव हो जाएगी। हो सकते हैं वो 150 पॉइंट्स हो जाए, या हो सकते हैं उससे भी नीचे हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं 12,750 पे मार्केट है। तो कल देखते हैं क्या होता है, बट मैक्सिमम चांसेस है यहाँ से एक सेलिंग आएगी। और क्योंकि ये जो डाउ है ये 40 पॉइंट्स निगेटिव और ये 307 पॉइंट्स अप है। तो अब हम लोग स्टॉक्स पे आते हैं। जो दो स्टॉक्स है ब्रिटेनिया और एशियन पेंट। ब्रिटेनिया जो है ऑल टाइम हाई पे है और आज जो है 202 पॉइंट्स अप है। और अभी तो मार्केट में सिर्फ एक ही बात हो रही है, अडानी, अडानी ग्रुप, अडानी इंटरप्राइजेज है, वो अप्रोक्सीमेट 70% नीचे टूट चुकी है ओवरऑल जहाँ पे वो थी। तो अभी सारा जगह आप अडानी को भी सेल कर सकते हैं, बट अभी आप रिस्क ना ले क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। अब आज भी लाइव इंटरव्यू वो अडानी, गौतम अडानी थे, वो लाइव इंटरव्यू अपने दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो भी उन पे स्कैम करने का आरोप लगा है वो सारा कुछ गलत है। तो इसलिए आप उसमें आप ट्रेड ना ही करें तो बेहतर होगी। तो वैसे भी इसमें 6 जैन तक उसमें ट्रेडिंग रोक दी गई है, 6 फेब तक, सॉरी 6 फेब तक उसमें ट्रेडिंग रोक दी गई है। और कल भी आप नहीं कर सकते ट्रेड उसमें। तो अब हम लोग लेवल्स पे देखते हैं ब्रिटेनिया का। ये ऑल टाइम हाई पे है, तो कल आप इसे बाई कर सकते हैं, आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। आपकी जो स्टॉप लॉस होगी वो अप्रोक्सीमेट 25 to 30 पॉइंट्स होगी। आप इसे स्विंग ट्रेड के लिए भी होल्ड कर सकते हैं ब्रिटेनिया को, और कल आप इसे बाई करेंगे। और एशियन पेंट जो है आप इसे सेल करेंगे, और इसे स्विंग ट्रेड के लिए आप होल्ड कर सकते हैं सेलिंग साइड में। तो आपने जो भी ब्रोकरेज ब्रोकर है आप उसमें टाइप करेंगे 2700 का पुट पी, और फेब मंथ की एक्सपायरी होगी, आप उसे बाई करेंगे। और आप देख सकते हैं ये जो एशियन पेंट जो है ये सपोर्ट कहाँ से ले रही है, तो ये इस पॉइंट पे से सपोर्ट ले रही है 2577। मतलब आप कल इसमें 60 to 70 रुपीज़ आप उसमें आप अपना टारगेट सेट करेंगे, और 10 to 15 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस होगा। तो कल जो है आप एशियन पेंट को सेल करेंगे और ब्रिटेनिया को आपको बाई करना है। तो ब्रिटेनिया को आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, सॉरी, स्विंग ट्रेड के लिए भी आप इसे बाई कर सकते हैं। और वर्ल्ड मार्केट जो है अभी 301 पॉइंट्स अप है, और डाउ जो है वो 57 पॉइंट्स नीचे। ब्रिटेनिया